अल्लाम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहु। मैं दिलशाद मिर्ज़ा रजा, 11:35, 23 सेकंड, मतलब सुबह की 11:35 और 26 सेकंड हो चुके हैं। तारीख तो जो है 26 जून 2023, दिन जो है वो है सोमवार का, जिसे हमारे इसमें पीर का दिन कहते हैं। देख सकते हैं गनी सरकार की मजार पाक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सूफी नगर सिरमी कोंडाली में है ना, ये सर गनी सरकार है ना, इनका 51वां उर्स था अभी 2-3 महीने के लगभग। और ये जो है ये वली सरकार की मजार पाक है ना, जो गनी सरकार के सजादे सूफी नूल कादिस सुताई कलंदरी के वालिद गिरामी की है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। दिलशाद मिर्ज़ा ऐसे लेके जेट टक्का दिखाएगा। अब मैं गेट के बाहर निकल चुका हूँ है ना, क्योंकि बताने की ज़रूरत नहीं, इसके पहले वीडियो बना चुका था कि मैं किस वक्त कहाँ पर मौजूद रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह दिलशाद मिर्ज़ा राजा को एक एक बात बताने की आदत है। ये रोड चलता हुआ रोड जो कोंडाली से जो है लेफ्ट पकड़ मारेंगे तो वो जो है वर्धा आर्मी गया हुआ है ना। यहाँ से लगभग वर्धा लगभग 50-55-60 किलोमीटर कुछ है, क्योंकि ये रोड से मैं वर्धा गया नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दिलशाद मिर्ज़ा अपनी बीवी के मैटर की बात करेंगे, क्योंकि सपूतरा मिर्ज़ा मेरी बीवी है, थी और हमेशा रहेंगी। क्यों लेंगा कदम पीछे, क्योंकि बोलता है बोलूँगा, क्योंकि 10 महीने 9 दिन हो चुके हैं, तो क्या हुआ 17 अगस्त से लेके 31 का महीना आता, 10 महीने 15 दिन हो चुका है, तो क्या हुआ 31 महीने के हिसाब से 10 महीने 17 दिन हो चुका है, तो क्या हुआ इस्लामिक उर्दू महीने के हिसाब से। दिलशाद मिर्ज़ा उर्फ छोटू मैंने कदम पीछे कहीं से नहीं लिया, क्योंकि दरगाह की फ़ोटो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि पता तो चले कि दिलशाद मिर्ज़ा कौन से समय में कहाँ पर मौजूद रहते, लोगों को पता भी तो चलना चाहिए ना, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह दिलशाद मिर्ज़ा को तो एक एक बात बताने की आदत है, क्योंकि 17 अगस्त दिन बुधवार 2022 को सदर गड्डी गोदाम से अपहरण किडनैप बंदीकरण बंधक बनाया गया था, जिसे पुलिस वालों ने गुमशुदगी है ना मिसिंग का केस बनाए थे। यहाँ तक कि रिपोर्ट भी कब ली गई थी, बुधवार के दिन 24 अगस्त के दिन 2023 में रिपोर्ट ली गई थी है ना, वरना पुलिस वाले भी सदर थानों चाहे यशोदा नगर थाने वाले हो, पुलिस वाले सिर्फ घुमा रहे थे। इसी के साथ साथ ताजबाग में भी अपहरण किडनैप बंदी का बंधक बना के रखा गया था। और एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि 11 दिन बाद मतलब 17 अगस्त को अपहरण किया गया था, तो 11 दिन बाद रात में 12 बजे 28 अगस्त रात जो इतवार संडे की लग चुकी थी 2022 को, मुझे सनद मिली थी कि प्लाट नंबर 451 नियर बिलाल मस्जिद यशोधरा नगर आसिफ आकिफ साकी अब्दुल वहाब जो 5 भाई है, इन लोगों ने अपने घर में अपने किडनैप बंदी का बंधक बना के रखे हैं। मैंने 1:30 बजे रात को आईडियो बनाया था, सोशल मीडिया पर आईडियो डाला भी था है ना। जिस समय आईडियो मैंने डाला था तो इस समय घर पर जो 4 भाई मौजूद थे, आसिफ अब्दुल वहाब साकिब अब्दुल वहाब और 2 भाई और बड़े आले, क्योंकि मझला जो भाई है वो बिहार में मौजूद था, अपनी बीवी और अपनी अम्मी और ख़ुद वो बिहार में मौजूद था है ना। यहाँ तक कि मुझे पागल दीवाना मजनू सर्किट क्या क्या नहीं बोले थे लोगों ने, क्या क्या नहीं बोले थे मुझे है ना, कदम पीछे तो ही लिए। यहाँ तक कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक ब्लॉक किया गया था सितंबर महीने में, फिर मैंने जनवरी 2023 में
दूसरा ट्विटर अकाउंट बनाया, क्योंकि ना मुझे पब्लिसिटी होने का शौक़ है ना फॉलोवर्स बढ़ाने का शौक़ है ना। लोग समझते हैं कि मुझे पब्लिसिटी और फॉलोवर्स बढ़ाने का शौक़ है। इसी के साथ साथ आसिफ और साकिब अब्दुल वहाब जो है वो पांच भाई है, तीन भाई की शादी हुई है, दो भाई की शादी होने की है, आसिफ अब्दुल वहाब की शादी होने की और साकिब अब्दुल वहाब की शादी होने की है। जिस समय मैंने आई डी बनाया था इसके एक हफ्ता बाद, कुछ दिन बाद मैंने प्लाट में 451 की खिड़की से वीडियो बनाया था, जिस समय मेरी बीवी के साथ 376 और 377 जैसे काम किए जा रहे थे, आंखों में आंसू थे, जुबान पे एक ही लफ्ज था, मेरे अल्लाह दिलसाद को भेजे, दिलसाद मुझे बचाओ। नागपुर कमिश्नर अमितेश कुमार जी, पुलिस आयुक्त साहब, जिस मुँह से आप और हम अनाज खाते खाना खाते जुबान को नापा किया जा रहा था है ना, मुझे बदनाम किया गया था, दारू पीता गांजा पीता क्या नहीं, पूरे इंडिया हिंदुस्तान भारत से दारू, उत्तर भारत पूरा भारत पश्चिम भारत दक्षिण भारत से उत्तर पूरा पश्चिम दक्षिण नागपुर से गांजा दारू सट्टा अफीम चरक जुआ सट्टा टोटल ड्रग्स अफीम हीरोइन टोटल कारोबार बंद किया जाए, बंद करवाया जाए, यहाँ तक कि बीफ का कारोबार गोश्त का कारोबार भी बंद करवाया जाए। लोगों को अपनी ईद और बकरीद मनाने का शौक़ है ना, कितने भी बड़े से बड़े बकरे काट लो, एक नहीं दस नहीं सौ बकरे काट लो, पर जो मेरी बीवी के साथ किया गया अल्लाह तबारक तआला, जिसे लोग आधा काश वाले भगवान बोलते हैं ना, सबका मालिक तो एक ही है ना अल्लाह खुदा रब परवरदिगार, वो अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी भी कबूल नहीं करने वाला, क्योंकि तुम लोगों ने काम ही ऐसा किए हो है ना, काम ऐसा किए, इतना घिनौना काम किए हो। यहाँ तक कि वीडियो जिस समय बनाया था, इस समय पी आई विश्वनाथ चौहान जी को मैंने पहले बोल दिया था मैं आपको वीडियो ला के दिखाऊंगा, तो पी आई विश्वनाथ चौहान जी ने डायरेक्ट मना किए थे, क्या बोलते दिलसाद मुझे वीडियो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी बहन बेटी बीवी और भाव का मैटर नहीं था। यहाँ तक कि डीसीपी ऑफिस के चक्कर काट काट के तंग आ चुका था है ना, जोन कमांग 5 हल्दीराम के बाजू में वर्धमान नगर जिसे पार्टी भी कहते हैं, तो डीसीपी सर से मुलाकात नहीं होती थी और बीच वाले लोग मिलने भी नहीं देते थे। इसी के साथ साथ मैं सिविल लाइन मीठनीम दरबार सैयद जलालुद्दीन मीर सुर के रहमतुल्जवान के आगे में पुलिस थाने ट्रैफिक पुलिस थाना वहाँ पे मेरी डीसीपी सर से मुलाकात हुई थी। अभी तो डीसीपी सर जो है वो चेंज हो चुके हैं, तो डीसीपी सर ने डायरेक्ट पीआई विश्वनाथ चौहान जी को फ़ोन लगाए थे, तो डायरेक्ट पीआई विश्वनाथ चौहान जी ने क्या बोले थे, ये औरत अच्छी नहीं, अन शब्द यूज किए थे, किसने अधिकार दिया इनको मेरी बीवी के बारे में कुछ का कुछ बोलने का। यहाँ तक कि पीआई विश्वनाथ चौहान जी को खुद बोले थे डीसीपी सर ने कि आप दिलसाद के पास, ये दिलसाद आपको वीडियो दिखाएंगे, वीडियो दिलसाद के पास मौजूद है। पीआई विश्वनाथ चौहान जी के पास वापस गए मैं, पर इन्हें वीडियो देखने से डायरेक्ट इनकार कर दिए थे है ना, पहले बार तो बनाने से मना किए थे और देखने से इनकार किए, इसका मतलब कि पूरे इन्वॉल्व नहीं शामिल है, तो है क्यों लेंगे कदम पीछे, क्यों लेंगे जनी क्या किसी के माने ऐसा ला जो दिलसाद मुझे उर्फ छोटू मेरा मुकाबला करे, क्यों लूंगा कदम पीछे। अरे दिलसाद में जो क्या नहीं पता है, क्या नहीं पता है, क्या नहीं पता है, यहाँ तक कि 14 सितंबर 2022 दिन जो है वो बुधवार का था, बिहार से 6:30 7 बजे के लगभग इनकी अम्मी जो है बिहार से आई थी, इनकी अम्मी आई थी, इनका भाई आया था, इनकी आकी अब्दुल वहाब आया था और जो है इनकी बीवी आई थी। क्या नहीं पता है दिलसाद मिर्जा को, क्या नहीं पता है, कदम पीछे नहीं लियो ना ही लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जीत हको सच की होंगी है ना, क्यों लूँगा कदम पीछे, जिस समय जहाँ मौजूद है तो वहीं पर है, तो इंशाल्लाह कुंडाली अभी जा रहा हूँ पैदल है ना, क्योंकि रात में लगभग सवा दो घंटे सोया, 4:15 बजे से 4:22 से उठा हूँ, फजर वगैरह की नमाज़ वगैरह पढ़ा, नमाज़ पढ़ने के बाद में आधा एक घंटा लेटा, नींद नहीं लगी, इसके बाद में जो है कपड़े वगैरह धोए, स्नान वगैरह किए, जिससे हमारे इसमें नहाना कहते गुसल कहते, और 11 बजे फ्री हुआ तो इस समय वीडियो डाला, क्योंकि लोगों को भी लगना चाहिए ना, लोग ये नहीं समझने को होना ना कि दिलसाद मिर्जा डर गए इसके वीडियो नहीं डाला, दिलसाद मिर्जा किसी से नहीं डरता, इप्पा हो इम्मा हो हसन बाकी शाहरुख कंपनी हो है ना, डी कंपनी हो गोलू हो और हसीन हो सेबू हो महफूज मोबिन हो समीम हो, चाहे वो आबू क्यों ना हो, चाहे वो साजा सेठ क्यों ना जो नगर सेवक है, चाहे वो बबलू सेठ क्यों ना जो साजा सेठ का भाई है, क्यों लूंगा कदम भी, चाहे वो फहीम खान शांतिनगर का डॉन क्यों ना, चाहे वो छत्रपति क्यों ना हो है ना, चाहे वो बीजेपी शिवसेना मनसे कांग्रेस बीएसपी हमारी पॉलिटिक्स वाले जितने भी इन्वॉल्व शामिल है, इनसे नहीं डरता दिलसाद मिर्जा, पूरे इंडिया में है ना पुलिस वाले पूरा कारोबार बंद करना चाहिए, बंद होना चाहिए है ना, पूछा जाए तो किसने बंद किया, कौन बंद करवाया, तो कानून में दो नंबर के तो बंद किया जाए, जाति जी बात करते हैं तो मेरा नंबर दे दिया जाए 7038462038 8788225926, क्योंकि पैदल चल के आना इसके लिए थोड़ा सा थक गया, वीडियो बनाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, और दिलसाद मिर्जा को तो एक ही तो शौक है ना, रुपए रहते थे तो
सिगरेट पीता था, अभी रुपये नहीं तो बीड़ी पीता हूँ, है ना, एक पीता हूँ तो पीता हूँ, क्योंकि दिलशान मिर्जा उर्फ छोटू मुझे सच बोलने की आदत है ना, मेरे खुद में वो तासीर तोड़ी जो पीठ पीछे से वार के वो लोगों ने किया ना, रंडुआ भड़वा पना किया ना लोगों ने किया ना। हाँ बोला था ना कुछ लोग सलाखों के पीछे लॉकों में जेल में जाएंगे जाएंगे जाएंगे, कुछ लोग पर इनकाउंटर करूँगा करवाऊँगा फायरिंग करूँगा करवाऊँगा, पर बोल के करूँगा क्योंकि हाँ मैंने किया तो किया करवाया तो करवाया, पीठ पीछे से वार नहीं हो तीसरा ऑप्शन जिन जिन्हात खबीज मुर्दों के जरिए से है ना लोग उठा उठा के पटकेंगे है ना, जो लोग इनवाले चाहे वो आदिवासी हो और नो गोंड नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट सिया सुन्नी बरेलवी मसला के आला हजरत का नाम लेने वाली क्यों ना हो, वहाँ भी देवबंदी तबलीगी जिसे जमाती कहते वो जमाती जो मरकज में जो रुके हुए थे निजामुद्दीन नई दिल्ली में है ना, जो अंग्रेज़ों की दलाली किया करते थे भड़वा रंडवागिरी किया करते थे, इतिहास खंगाला जाए अंग्रेज़ के सपोर्ट में जो बिक गए थे रुपए की बुनियाद पर, वो वहाँ भी देवबंदी तबलीगी जमाती लोग ही थे। कदम पीछे तो ही लिया मैंने, अरे क्या नहीं पता है दिलशान मिर्जा को, एक एक बायोडाटा पता है वहाँ भी देवबंदियों का, किसने सपोर्ट किया किसी ने सपोर्ट किया कि मेरा दिलशान मिर्जा कदम पीछे लेने वालों में से हरगिज नहीं है, बुरे का अंजाम तो बुरा ही होगा है ना, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद ये है प्लाट नंबर 451 वालों को, तो पुलिस वालों ने पूरा पूरा सपोर्ट किया ना है ना, तब कि मैं प्लाट नंबर 452 में रहता था, नागपुर पहुँचने वाला है ना इंशाल्लाह, जाऊँगा ना 28 तारीख दिन बुधवार को डीसीपी सर के पास जाऊँगा ना, तारीख है ना मेरी, अस्सलाम वालेकुम।